नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेग्नेंट पत्नी को तलाक देने के लिए रची खौफनाक साजिश, लगवा दिए एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन। पुरानी रंजिश में मारपीट, चार के विरुद्ध केस। साहिबागंज में दोहराया श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला, विपक्ष ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रेग्नेंट पत्नी को तलाक देने के लिए रची खौफनाक साजिश, लगवा दिए एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन। आंध्र प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को तलाक देने का बहाना खोजने के लिए उसे एचआईवी संक्रमित खून का इंजेक्शन लगवाया। टाडेपल्ली पुलिस ने एम चरण को उसकी पत्नी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया। उसने एक झोला छाप की मदद से उसे एचआईवी का संक्रमित इंजेक्शन लगवा दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चरण उसे तलाक देने के लिए उचित बहाना ढूंढ रहा था, इसी लेकर उसने योजना बनाई और वहाँ झोला छाप डॉक्टर के पास लिए गया। शख्स ने अपनी पत्नी को बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के दौरान वह जानकर चौंक गई कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। लड़की को जन्म देने पर हो रहा था जोर। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दहेज के लिए उसके प्रताड़ित कर रहा था और एक लड़की को जन्म देने के लिए जोर दे रहा था। दंपत्ति की एक ही बेटी है। पुलिस ने कहा कि चरण से पूछताछ कर रहे। पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पुरानी रंजिश में मारपीट, चार के विरुद्ध केस। रंजिश को लेकर पड़ोस के लोगों ने महिला और उसके परिवार को लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों के विरुद्ध मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पास देवरिया स्थित पुराना जिला पंचायत परिसर की रहने वाली प्रीति गुप्ता पुत्री कन्हैया लाल गुप्ता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले एक परिवार आए दिन विवाद करते हैं। 15 दिसंबर की रात पड़ोस के लोग रात में गाली दे रहे थे। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर भाई प्रिंस गुप्ता बचाने आया तो हमलावरों ने उसको भी पीटने लगा। हमलावर राहुल प्रिंस को ईंट से पीछे से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने सोनी देवी, पत्नी रमेश पटेल, राहुल पुत्र रमेश पटेल गुड़िया कंचन समेत सभी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साहिबागंज में दोहराया श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला, विपक्ष ने उठाए सवाल। साहिबागंज में 22 वर्षीय की आदिम जनजाति महिला की कटर से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड के बाद इस तरह से आदिम जनजाति महिला की हत्या की खबर सुर्खियों में बन गई है। जिस तरह से महिला की कटर से काट कर टुकड़ों में तरीके से हत्या कर दी गई है, वह इंसानियत शर्मसार कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पुलिस महकमा पूरी तरह से वारदात की गुत्थी सुलझने में जुट चुकी है। वही विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमला कर रही है। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरे मामले पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 10 जून को रांची में हुई हिंसा को लेकर टीम बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, जो बताता है कि सरकार इन मामलों पर कितनी गंभीरता बनाए रखी है। वहीं उन्होंने कहा है कि वर्तमान की हालत ऐसे रहे तो आने वाले दिनों में प्रदेश में रहना किसी का मुश्किल हो जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।